हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ये अपना यूट्यूब चैनल डी एस टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। हर वीडियो की भांति यह वीडियो आप लोगों के लिए क्लास टेंथ वाले बच्चे, अगर इस बार आप टेंथ का तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग हमसे अवश्य जुड़े। ऐसे तो यह टॉपिक त्रिकोणमिति का हमारे ऑफलाइन बैच में ऑलरेडी खत्म हो चुका है और वह बैच बहुत आगे भी है और लगभग मैथ कंप्लीट होने वाला ही है। तो आप लोग को ऑनलाइन पर भी हम वीडियो देने का रेगुलर प्रयास करते हैं और आप लोग को रेगुलर मैथ का तैयारी ऑल सब्जेक्ट भी कराएंगे टेंथ वाले बच्चों के लिए। आप लोग अवश्य जुड़े, है ना। और आज जो है आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, एनसीईआरटी बुक है, बिहार बोर्ड का सिलेबस है। जो भी बच्चे अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वह हमसे जुड़े। आइए हम आप लोगों को यह सवाल सॉल्व करने के लिए बताएंगे कि यह सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, वह भी बिल्कुल खांटी मेथड से। ठीक है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहां कहता है a प्लस बी का जो मान निकलेगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री के छोटा होगा और ये दोनों का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है सिंबल, इनका कहना है कि ए और बी का जो हम लोग मान ज्ञात करेंगे, इनका कहना है कि बी का मान छोटा होगा और ए का मान बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ए का मान बड़ा, बी का मान छोटा आएगा। चलिए हम लोग को जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिख लिए टेन ए प्लस बी बराबर √3। टेन ए प्लस बी बराबर √3, तो इसको लिखेंगे टेन ए प्लस बी बराबर √3। जो है टेन कितना डिग्री का मान होता है, √3 टेन 60 डिग्री का मान होता है। बच्चों आप लोग को पता है ये टेन जो है इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में, इसीलिए ये टेन और ये टेन कट गया। एक बार में बचा क्या 1 + b = 60 डिग्री। हम लोग का यह समीकरण पहला फाइंड आउट हो चुका है। पुनः अब हम लोग क्या करेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 लिखेंगे। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जो होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री। ये tan और ये tan जो है कट जाएगा, ये tan इधर गुना में इधर आएगा भाग में, नीचा में आएगा tan, ये टेन टेन कट जाएगा एक बार में, इसीलिए यही काट देते हैं, देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। अब बचा क्या ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह समीकरण हम लोगों का दूसरा फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट यहां फाइंड आउट किए हैं, सेकेंड यहां फाइंड आउट किए हैं। पहला समीकरण लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, उसके बाद जो है सेकेंड समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
ये पहला, यह समीकरण दूसरा। यहां पर ये आप लोग कह सकते हैं इसको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, एक ए में एक ये जोड़ेंगे, दो ये हो जाएगा बी प्लस में ये को बी माइनस में, प्लस माइनस माइनस, एक बी में एक बी घटाएंगे बचेगा लड्डू, एक टका में एक टका घटाएंगे क्या बचेगा जीरो, तो बी बी कट गया, बचा ये दोनों को जोड़ के 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये दो लेफ्ट हैंड साइड में गुना में राइट हैंड साइड जाएगा बच्चों भाग में, ये दो बार में कट गया 45 दूना 90, इसीलिए ये बराबर 45 डिग्री फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको ए का जो मान फाइंड आउट किए हैं, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहां हो गया। तो ए का मान हम लोग क्या निकाले हैं, ए का जगह मान पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये पहला समीकरण। तो बी बराबर ये 60 है, ये प्लस में 45 और राइट हैंड साइड जाएगा माइनस में, इसीलिए बी बराबर 60 में से 15 45 घटा लीजिएगा बचेगा 15 डिग्री, क्या बचेगा 15 डिग्री। जब बचेगा तो हम लोग का ए और बी दोनों का मान निकल चुका है, अतः ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर कितना निकला है 45 डिग्री, और बी बराबर जो निकला है 15 डिग्री, यही हम लोगों का आंसर होगा। और ये वाला जो थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ है आप इसको मिला लीजिए, यह कंडीशन कहता है ए प्लस बी का मान जो है दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। इन दोनों को जोड़िए 45 15 60 हुआ तो 90 डिग्री से छोटा हुआ कि नहीं, तो 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता था लेकिन उनसे छोटा होगा सवाल करना है। और इनका यह भी दूसरा कंडीशन है कि बी का मान छोटा होगा ए का मान बड़ा होगा, तो बी का मान देखिए 15 है और ए का मान 45 है, तो बी का मान छोटा है ए का मान बड़ा है। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।